आज हम 810 आईसी का बोर्ड बनाएंगे। पिछली वीडियो में देखा आपने, हमने पीसीबी किस प्रकार से बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ये पीसीबी तैयार है, तो अब इसकी माउंटिंग कटिंग सोल्डिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आठ सौ दस का बोर्ड बनाएंगे तो उसके लिए ये सामान है। 4007 डायड है, ये सप्लाई के लिए लगाएंगे। 5 पीस उसके बाद लगाते हैं 150 के। सैतालीस ओम टू पॉइंट टू ओम वन के हंड्रेड ओम। इसके बाद पीएफ है 104 पीएफ, 104 पीएफ पे एक और 470 पीएफ, 502 पी एफ। रेजिस्टेंस और पी एफ लग गए हमारे। इसके बाद हम लगाएंगे कंडेंसर 100 125 है। वैसे ये 116 भी लगा सकते हैं, 116 भी चल जाएगा यहाँ पर। और 125 मिलता तो आप 125 लगा लें। 3 पीस हैं का, प्लस माइनस ध्यान रखना, इनके इधर है, इसका इधर है। 470 25 है ये, आप 470 10 लगा सकते हैं यहाँ पर, 470 16 भी लगा सकते हैं, जो आपके पास है हो जाएगा। ये 1025 ये हमारे पास 78.5 है। इसमें हीटसिंग है, हीटसिंग लगा लेंगे। ये ऐसे लगाएंगे, थोड़ा टच हो रहा, थोड़ा सा ऐसे उड़ जाएगा। ये हमारी आईसी 810, ये ऐसे मोड़ रखी है। और इधर हमें पेच लगाना है, तो क्या करेंगे, हम इसे भी काट देंगे इधर से, और इधर का हिस्सा काट देते हैं। ऐसे लग गई, एक एक पिन को इसे मोड़ देते हैं, इसे निकलेगी नहीं वापस। ये तैयार हो गया, इसकी कटिंग करेंगे और सोल्डिंग करेंगे इसका। ये दो तरह के कटर हैं, जो आपको सही लगता है आप उससे कटिंग कीजिए। मुझे ये कटर सही लगता है, इसलिए मैं इससे करता हूँ। जो आपको सही लगे आप उससे कीजिए। ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, सोल्डिंग पेस्ट लगाते हैं उसी तरह से। ये लिक्विड है,
अब हम सोल्डिंग कर देंगे। वीडियो काट दिया यहाँ से, आगे से ये देखिए पूरी सोल्डिंग हो गई है, सोल्डिंग हो गई, इसमें कंप्लीट हो गया हमारा बोर्ड। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर निशान आ गए, टेस्ट के निशान आ गए। अब हम इसके निशान मिटाएंगे। निशान हटाने के लिए इसे थिनर से साफ़ कर रहे हैं, थिनर से साफ कर सकते हैं आप, या कैरोसिन है मिट्टी का तेल उससे भी कर सकते हैं। साथ के साथ इसे करते हैं ज़्यादा बेस्ट रहता है, बाद में ही जम जाता है तो ये मुश्किल से छूटता है। अब तैयार है आपका 810 IC का ऑडियो बोर्ड। नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट सेट बनाएंगे हम, टोटल सामान है इसका, इसे असेंबल करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।